तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चिल ब्रेन टेक। तो गाइस, आज हम बात करने वाले कि इन गेम क्वालिफायर्स कितने बजे स्टार्ट हो जाएगा। 12 बजे स्टार्ट हो गए तो भाई अगर आपने मैचेस खेले तो वो काउंट हो जाएगा, और अगर अपनी स्क्वाड में आपको एक नेम रिपीटेड दिखा रहा है जब वेबसाइट पर जाते वक्त इन गेम क्वालिफायर्स के जो भी बंदे खेलने वाले, तो उसका भी क्या प्रॉब्लम हुआ मैं बताऊँगा, एंड उस पर क्या करना है वो भी मैं बताऊँगा। तो देखो, बहुत सारे बंदे पूछ रहे हैं कि भाई कितने बजे स्टार्ट होगा इन गेम क्वालिफायर, क्योंकि वो अपनी स्क्वाड के साथ खेलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली काउंट हो सकता है, ये बहुत बंदों को डर है। और अच्छा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बंदों का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंड तो भाई BGIS में कैसा हुआ था, इन गेम क्वालिफायर्स तो स्टार्ट हुए थे शायद 12 बजे से, और लेकिन एंड कितने बजे हुए थे, 4:19 पे एंड हुए थे BGIS के टाइम पे इन गेम क्वालिफायर्स। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यहाँ पे 4 अप्रैल से स्टार्ट होगा। अगर 12 बजे के बाद या फिर 3-4 बजे या फिर सीजन रिसीट 5:30 बजे होता है तो उसके टाइम भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसा बंदों को लग रहा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा होता तो उन्होंने उसका टाइम बता दिया होता कि इतने इतने बजे इंडियन क्वालिफायर स्टार्ट हो रही है 4 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं, बस 4 अप्रैल लिखा है, यानी कि 12 बजे के बाद शायद काउंट होगा। ये कंफर्म नहीं है, बट आप क्यों रिस्क ले रहे हो खामखा, आपको क्वालिफाई करना है तो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो। आप 12 बजे के बाद अपनी स्क्वाड के साथ मत खेलो, आप अपना दूसरा आईडी बना के खेलो, बस चारों बंदे जो है वो साथ में मत खेलो, रजिस्टर्ड चारों बंदे कोई भी हो, चाहे वो ऑप्शनल हो, वैसे भी ऑप्शनल खेल नहीं सकता, चार ही बंदे खेल सकते, लेकिन फिर भी साथ में मत खेलो। आप दूसरा आईडी बना के अपने बंदों के साथ खेल सकते हो, लेकिन ये 12 बजे से स्टार्ट होगा मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन सीजन रिसेट जब होता है शायद उस पे भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे 12 बजे स्टार्ट होगा ऐसा लग रहा है। और रही बात ये वेबसाइट पे रिपीटेड नेम दिखा रहे, तो भाई देखो इसके मेरे पास 2-3 सॉल्यूशन है, मतलब पॉइंट है, आप इससे कर सकते हो। तो देखो, स्टार्टिंग में ये एक ग्लिच है, और इस ग्लिच को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेल करना पड़ेगा BGMI को। आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन ठीक से शॉर्ट में लिखो और BGMI के ईस्पोर्ट वाले सेक्शन पे जाके, यानी ईस्पोर्ट के ईमेल पे आप ईमेल करो, क्राफ्टन को मत करो, BGMI के ईस्पोर्ट को मेल करो। उसका ईमेल भी मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या फिर सामने स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। और मेल क्या करना है, आपको ऐसा मेल करना है कि रिपीटेड प्लेयर्स दिखा रहे तो वो जल्दी से वो सॉल्व करे, और आपका लीडर का ईमेल आईडी, लीडर ही मैसेज करना, आपका लीडर का ईमेल आईडी, आपका टीम कोड, आपका टीम नेम, आपको सब बता देना है ईमेल में ही। और बाद में देखो, और एक सॉल्यूशन है उसमें, अगर आपको किक का ऑप्शन दिख रहा है तो आप बाकी प्लेयर्स को किक कर सकते हो, और 4 ही बंदे उसमें रख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बंदों को जो है, बहुत सारे मतलब कुछ बंदों को दिखाई दे रहा था वो ऑप्शन किक का, और वो अभी भी अरेंज कर पा रहे थे, 12 बजे के बाद वो निकल जाए क्या पता, लेकिन अभी भी बंदों को वो एडिट का ऑप्शन दिखा रहे हैं, यानी अरेंज प्लेयर्स का। तो आप बाकी के प्लेयर्स को किक कर सकते हो और 4 मिनिमम रख सकते हो, या फिर आप दूसरे जो बंदे हैं उन्हें बोल सकते हैं लॉगिन करके देखने को कोई सब बंदों को क्या दिखा रहा है वहाँ पे। और रही बात वहाँ पे टॉप पे जो बंदे हैं, शायद वही नीचे भी इंडियन क्वालिफायर्स में हो सकते, लेकिन आपको जो सामने बंदे दिखाई दे रहे हैं उन्हीं के साथ आपको खेलना पड़ेगा। लेकिन रिपीटेड दिखा रहे तो आपको जो ऑप्शन मैंने बताया आप वो ट्राई करके ज़रूर देखना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने बतानी थी। और हमारा BGMI का ग्रुप फुल हो चुका है, तो मैंने दूसरा सेकंड ग्रुप बनाया इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे बहुत रिक्वेस्ट आ गई थी गाइज, तो सबको भी रिप्लाई दे दिया मैंने यार। और अगर आपका कुछ क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर पूछना, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है darkestgamingyt, और आपके लिए इतना नॉलेजेबल वीडियो बनाता हूँ मैं रिसर्च करके एकदम, तो चैनल को सब्सक्राइब करना यार, फ्री होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, पानी हो, जय महाराष्ट्र भवन।